मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर दिग्गजों का दौरा लगातार जारी है। इसी सिलसिले में कांग्रेस नेता और फिल्म अभिनेता राज बब्बर ग्वालियर पहुंचे। यहां राज बब्बर ने ग्वालियर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा के समर्थन में आम सभा को संबोधित किया। इस बीच कांग्रेस नेता ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा कि कौन कहां गया, कितने में बिका, हमने बिकने वालों की बात नहीं करेंगे और ना ही की है। ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हम मौजूद सरकारों के माहौल को देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बहन की बात करती है, हम नारी सम्मान की बात करते हैं। कौन कहां गया, किसने कितने में बिका, कितने में किसको खरीदा, मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता। भैया ना भैया कहना चाहूंगा कि कम से कम हवा के रुख को जो नहीं पहचानता, उस शख्स आने वाले कल को जो है नकारने का काम करता। यह तय है कि आज की तारीख हम महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग आपको इस बात की गारंटी के साथ में कह सकते हैं कि जिस तरह का माहौल, जिस तरह की हवा है, जिस तरह के तमाम बाजार जो है फैसला करते हैं, और जब ये बात फैली ही है और सुनील शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं।